दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर कोई कमेंट करता है तो उन कमेंट को मैं सीरियसली लेता हूँ। मैं उनके कमेंट को पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि वैसे कोई कमेंट करता नहीं है। किसी को खास काम या फिर हेल्प की ज़रूरत रहती है तभी कोई कमेंट करता है। तो एक कमेंट मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और उसका मैंने रिप्लाई दिया था, लेकिन फिर भी अभी यही कमेंट मुझे लगातार मिल रहे हैं। तो वो कमेंट क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे कम चार्जेस कौन सा ब्रोकर में लगता है या फिर कौन सा ब्रोकर लेता है। तो दोस्तों जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करती हैं, अगर उनको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने लगा तो वो जल्दी ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। अगर आप पहले से ही एक अच्छा ब्रोकर ले लेते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत ही कम लॉस होंगे, अदरवाइज आपकी गलती की वजह से तो स्टॉक मार्केट में लॉस होंगे ही, ट्रेडिंग में लॉस होंगे ही, साथ ही ब्रोकर भी आपको लॉस करवा देता है। ठीक है, उनकी जो सर्विसेज है ना तो वो अच्छी नहीं होती है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो हैंग वगैरह करती हैं। तो इसीलिए राइट टाइम पर आप मार्केट में एंट्री नहीं कर पाती हैं, राइट टाइम पर आप एग्जिट नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपको सर्विस भी बताऊंगा और सबसे कम चार्जेस कौन सा ब्रोकर ले रहा है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टोटल 7 ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ। फिर 7 में से पहले मैं आपको 7 के बारे में समझा दूंगा और आपको भी स्किप नहीं करना है, समझना है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए एक ब्रोकर चूज कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बहुत ही कम बंदे टिकते हैं, उनको लॉस होता है। ठीक है, फिर वो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे लिंक से काफ़ी सारे अकाउंट ओपन हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग छोड़ के जा चुके हैं, अब वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप इस चीज़ को समझिए और आप शेयर मार्केट में बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेडिंग करिए, क्योंकि सेबी ने अपना एक डाटा दिया है कि 10% लोगों को प्रॉफिट होता है, बाकी के 90% लोगों को लॉस होता है। अभी मैं अपना खुद बोलूँ, आपसे क्या छुपाना। ठीक है, अगर मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, तो आप मेरा कुछ कर थोड़ी रहे हो, ना ही आप मुझे पैसा दे रहे हो, ना ही आप मुझसे ले रहे हो। तो अभी मैं खुद 90% वाली कैटेगरी में आता हूँ, मतलब कि जो मुझे प्रॉफिट होता है ना तो फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी भी मैं लॉस में ही चल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा फेंकने से कोई दिक्कत नहीं है, जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। तो देखो 7 ब्रोकर कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस ब्रोकर की चर्चाएँ होती हैं, ठीक है, तो मैंने उन्हीं को लिया है। अच्छा ब्रोकर कौन सा है ये तो खैर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जीरोधा में लगने वाले चार्जेस के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। तो अगर आप जीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग करती हैं तो इसमें या तो 20 रुपये लगेगा या फिर 0.03%। ठीक है, तो दोस्तों ये पर ऑर्डर अगर परसेंटेज के हिसाब से कम हो रहा है तो फिर आपसे कम लिया जाएगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपसे सिर्फ 20 रुपये लिए जाएंगे। तो आप इसमें इसको तो छोड़िए, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर है ना एक लॉट भी लेते हैं ना तो वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, फिर भले ही आप 50 लॉट लो तभी भी इसी में आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ज है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो इसमें 20 रुपये लगता है। अगर इसमें कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा तो इसमें 20 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप अकाउंट ओपन करेंगे ना तो 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग लगता है जीरोधा में, और आप एक बिगनर हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि इस 200 रुपये आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद अगर आप मान लो कि आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ और आप ट्रेडिंग बंद करते हैं, तो ये जो आपके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है ना ये चलते रहेंगे, और ये 1 साल का होता है 300 रुपये प्लस GST। और अगर हम इसे 3 महीने का देखें, मतलब कि क्वार्टरली, तो इसमें 75 रुपये प्लस GST लगता है। अब इसके बाद हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में भी 20 रुपये लगता है, सेम इसी की तरह है, और यहाँ पर 20 रुपये लगेगा या फिर 0.025%। तो परसेंटेज वाला आप इसको इग्नोर करते हुए चलिए, ये तो कंपनी का डाटा है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही चार्ज अप्लाई होते हैं। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्ज इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है ना तो 20 रुपये पर मंथ लगता है प्लस GST। तो ये 1 साल का हो जाता है 240 प्लस GST। ठीक है, तो ये एंजल में लगने वाले AMC चार्ज है। अब इसके बाद आप स्टॉक भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, या फिर हम ये बोलें कि ये फेमस डीमेट अकाउंट है, इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। ठीक है, तो देखो आप स्टॉक में इंट्राडे में 20 रुपये लगेगा और यहाँ पर भी 20 रुपये ही लगेगा। अकाउंट ओपनिंग
जीरो है, अकाउंट मेंटेनेंस जीरो है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा ब्रोकर निकल के आया कि अगर आपको मार्केट में लॉस होता है और आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट बंद करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है, चालू रहने दीजिए, आगे चल के 2-3 साल बाद फिर आपका मन करे तो फिर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी आप सीखे नहीं हो, सीखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं सीख गया हूँ तो मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में भी दोस्तों 20 रुपये लगते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो भी 20 रुपये लगेंगे। ग्रो एप्लीकेशन में भी कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज और AMC चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी फ्री है और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ठीक है। हालांकि अभी जो मैंने आपको पीछे एंजल वन बताया था, तो एंजल वन में आपको फर्स्ट ईयर AMC फ्री मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, धन एप्लीकेशन, ठीक है। धन एप्लीकेशन दोस्तों अच्छा है, इसका जो ट्रेडिंग व्यू है तो वो बहुत ही काम की चीज़ है, और इसके ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो इसमें भी देखें दोस्तों तो 20 ही रुपये लग रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको जितने भी ब्रोकर के बारे में बताया है कहीं ना कहीं सभी में 20 रुपये लग रहे हैं। अगर हम AMC चार्ज और अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखें तो इसमें भी कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की, ठीक है। तो दोस्तों कोटक सिक्योरिटी इसीलिए फेमस है, या फिर लोग इसमें अपना इसीलिए अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज फ्री हो जाता है, ठीक है। तो इंट्राडे में फ्री कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी तब होगा, और ऑप्शन में कौन सी कंडीशन पर हमारा ब्रोकरेज फ्री होता है। तो देखो जिन लोगों की एज 30 साल से नीचे है, मतलब कि वो आएंगे ट्रेड फ्री यूथ प्लान में। अगर आप इस प्लान को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हर कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जिसकी एज 30 साल से कम होगी। तो इसको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, या फिर हम ये बोलें कि सब्सक्रिप्शन का 299 रुपये देना पड़ेगा। एक बार कितना देना है, 299। इसके बाद इसमें ऑल सेगमेंट आपके लिए फ्री हो जाते हैं, कहीं पर भी आप ट्रेडिंग करिए फ्री। तो कहने का मतलब ये कोटक सिक्योरिटी में अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप ये 299 रुपये पे करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री में करिए, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी फ्री में करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल से अधिक है, आप 30 से ऊपर हैं, तो आपको यहाँ पर प्लान मिलेगा, ट्रेड फ्री प्लान, और इसके लिए आपको 99 रुपये सब्सक्रिप्शन का देना होगा, मतलब कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तब। इंट्राडे का इसमें कितना लगेगा, 0, ठीक है। इंट्राडे आपको यहाँ पर भी फ्री मिल रही है, और यहाँ पर ऑल सेगमेंट लिखा है तो इसमें इंट्राडे भी है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर 20 रुपये देना होगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो पर ईयर 600 रुपये लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों एक एम स्टॉक है, तो इसकी भी चर्चाएँ बहुत होती हैं, तो आप इसमें अपना अकाउंट बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो अगर इसमें आप अपना फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं, तो फ्री में अकाउंट ओपन करेंगे ना तो जैसे बाकी के ब्रोकर में चार्ज लगती हैं वैसे ही यहाँ पर भी लगेंगे, इंट्राडे का 20, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी 20। लेकिन अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं ना, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए 999 प्लस GST मतलब कि 1207 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग करते समय, ठीक है। तो आपको इंट्राडे यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ऑप्शन भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन क्या है, पहले चार्ज लग रहा है। ये तो ब्रोकरेज फ्री करवाने के लिए आपने वन टाइम मतलब कि 999 प्लस GST 1207 रुपये पे कर दिया, तो आपका ब्रोकरेज तो फ्री हो गया। लेकिन अब बात आती है, देखो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको लेते हैं, ठीक है, फ्री वाला लेते हैं, तो फ्री में अकाउंट ओपनिंग हो ही रही है, और इधर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ब्रोकरेज फ्री करवाने का है, ठीक है, तो हम इसे चार्ज नहीं बोलेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग तो फ्री में ही हो रहा है। अब बात आती है AMC चार्ज की, ठीक है। तो AMC चार्ज अगर आप इसमें फ्री करवाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो 999 प्लस GST मतलब कि 1207 रुपये देना पड़ेगा। इस तरफ भी आप यही प्लान ले सकते हैं, सेम अगर आपको फ्री करवाना है तो इस तरफ भी आप इसी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो अकाउंट ओपनिंग अगर आप करते हैं तो ब्रोकरेज लगेंगे, ठीक है, और AMC चार्ज दोनों साइड वही अप्लाई होंगे। अगर आप फ्री करवाना चाहते हैं तो 1207 इसका भी दे दीजिए। तो प्लेटफॉर्म चार्ज यहाँ पर 99 प्लस GST मतलब कि 120 रुपये ये आपसे लेते हैं। इस साइड भी मान लो कि आपने 999 रुपये पे कर दिया, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म चार्ज
लगेगा 120 रुपये, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये दोनों चीज़ें फ्री चाहते हैं, ठीक है, एम स्टॉक के अंदर, तो 1207 रुपये ब्रोकरेज चार्ज फ्री का दोगे आप और 1207 रुपये EMC का देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2414 रुपये। तो 2414 अगर आप पे कर देते हैं तो आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा एम स्टॉक के अंदर। अब बात आती है कि आपको शायद ही अच्छा लग जाए कि चलो वन टाइम में इतना पे कर देता हूँ, ज़िंदगी भर के लिए फ्री है, या फिर आपको ये अच्छा लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाकी के ब्रोकर हैं ना, अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, चार्ज ले रहे हैं, लेकिन फ्री ये कंपनियाँ फ्री में क्यों दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये बूढ़े वृद्ध लोग बोलते रहते हैं कि जितना घोलोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। अगर आप पानी में शक्कर या फिर दूध में शक्कर कम डालेंगे ना तो कम मीठा होगा, ज़्यादा डाल दोगे तो ज़्यादा मीठा होगा। सेम ब्रोकर्स में भी अगर आप जिरोदा के अंदर चार्ज देंगे ना तो सर्विस भी आपको अच्छी मिलेंगी, और अगर आप एम स्टॉक या फिर यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे ना तो यहाँ पर आपको सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। सोचिए जितने भी ट्रेडर हैं, ठीक है, आप तो एक बिगनर हैं, काफ़ी सारे लोग हज़ारों रुपये चार्ज पे कर देती हैं सिर्फ ब्रोकरेज का ही, ठीक है, और वो ट्रेड करती हैं एंजल वन में या फिर जिरोदा में। तो क्यों करती हैं, क्योंकि ऐसी उनको यहाँ पर सर्विस भी मिल रही है, ठीक है, तो वो सर्विस के लिए यहाँ पर पे कर रहे हैं और ये फ्री में चल रहे हैं। तो अब तक सारे लोग एम स्टॉक पर शिफ्ट हो गए होते या फिर कोटक पर शिफ्ट हो गए होते। अब देखो वहाँ पर एम स्टॉक है ना, तो काफ़ी सारे लोगों की शिकायतें हैं कि ये जो ब्रोकर है ना तो 2-2.5 बजे के आसपास ना हैंग करने लगता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस पर लोड पड़ता है ना तो यह काम सही से नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, एप्लीकेशन हो गया हैंग, ठीक है, और वही आपका ऑर्डर 20 सेकंड बाद या फिर 1 मिनट बाद मार्केट में एग्जीक्यूट होता है, तो इतने में प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो आपको वहाँ पर क्या है, हो सकता है लॉस भी हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से बता दूँ कि आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एंजल वन में, लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे मैं आपको ये सारे ही लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एंजल वन में मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और मैं धन में भी ट्रेड करता हूँ, तो आप अपना अकाउंट धन में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एंजल वन में शायद आप ये वाला चार्ज देखें, तो इस वाले चार्ज की भी एक कंडीशन है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट मतलब कि BSDA क्लाइंट पर ये चार्ज नहीं लगता है, जिनकी होल्डिंग्स मतलब कि वो अगर अपने डीमेट अकाउंट को खाली रखते हैं, उसमें उनकी कोई भी होल्डिंग्स नहीं है या फिर 50,000 रुपये से कम होल्डिंग्स है तो ये चार्ज लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर होल्डिंग्स 50,000 से ऊपर है ना तब ये AMC चार्ज लगेंगे, ठीक है। तो आप नॉन BSDA और BSDA के बारे में भी एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए, या फिर हमने जिरोदा कंपनी का फुल रिव्यू वाला वीडियो बनाया है, ठीक है, तो आप उसको देखिए, उसमें मैंने नॉन BSD और BSDA के बारे में बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।